फ्रेंड्स, मैं आरती हूँ। रेडिमशन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ पोटैटो ब्रेड स्नैक्स। इनको बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही कम समय में बनकर फटाफट तैयार हो जाते हैं और बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को ही बहुत ही पसंद आते हैं। तो फ्रेंड, देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। पोटैटो ब्रेड स्नैक्स बनाने के लिए मैंने लिए हैं 2 बॉयल किए हुए आलू, आधा कटा हुआ शिमला मिर्च जिसको मैं ग्रेट कर लूँगी, 4 ब्रेड, 2 बड़े चम्मच दही, 1 चम्मच सेजवान सॉस, 1 चम्मच चाट मसाला, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, 2 कटी हुई हरी मिर्च, 1 कटा हुआ प्याज और मोजरेला चीज। इसको मैंने घर पे ही बनाया था और इसको मैंने ग्रेट कर लिया है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। आलू और शिमला मिर्च को मैंने कद्दूकस में ग्रेट कर लिया है। अब मैं इसकी स्टफिंग तैयार करूंगी। इसके लिए मैंने एक बाउल लिया है। अब मैं आलू उसमें डाल दूंगी। और शिमला मिर्च इसमें ऐड करूंगी। और फिर मैं इसमें हरी मिर्च ऐड करूंगी, प्याज डाल दूंगी, चाट मसाला डाल दूंगी और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूंगी। सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब मैं इसमें डालूंगी सेजवान सॉस। तो इसके लिए ये मैंने दही लिया है और ये सेजवान सॉस है। तो इन दोनों चीज़ों को हम एक साथ मिक्स कर लेंगे और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। दोनों चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इस स्टफिंग में मैंने लाल मिर्च पाउडर नहीं डाला है, आप चाहें तो इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि सेजवान सॉस भी थोड़ा सा तीखा ही होता है, इसलिए मैंने इसमें सूखा लाल मिर्च नहीं डाला है। अब मैं इसमें 2 चम्मच ऐड करूंगी, थोड़ा सा और ऐड करूंगी। अगर हमें लगेगा कि इसमें थोड़ा सा और ज़रूरत है तो मैं इसमें और ऐड करूंगी। ये दोनों चीज़ें इसको बहुत ही स्पाइसी और तीखा बनाने वाली हैं। सेजवान सॉस मैंने इसमें डाला है, इसमें थोड़ा सा सेजवान सॉस और मैं ऐड करूंगी, क्योंकि इसको डालने से ये बहुत स्पाइसी और टेस्टी बन के तैयार होने वाला है। अब मैं इसको मिक्स कर दूंगी। सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब लास्ट में मैं इसमें नमक ऐड करूंगी। नमक हमने इसमें डाल दिया है, नमक को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब मैं इसको ढककर 2-3 मिनट के लिए रख दूंगी। तब तक मैं ब्रेड की स्लाइस काट लूंगी और इसको सेट होने के लिए 2-3 मिनट के लिए रख दूंगी। मैंने ये 4 ब्रेड ली हैं, अब इनके किनारों को हम काट देंगे। इस तरह से इनके किनारे हटा देंगे हम और ये किनारे भी हम यूज कर लेंगे। इस तरह से हमने ये ब्रेड काटा है, इसी तरीके से सारे ब्रेड हम काट लेंगे। सारे ब्रेड मैंने काट लिए हैं और इसको मैं मिक्सर ग्राइंडर में पीस लूंगी और इसको स्नैक्स बनाने में मैं यूज करूंगी। हमने यहाँ पे 2 चम्मच मैदा लिया है, इसका हम गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लेंगे, क्योंकि इसे हमें कॉर्नर पे इसके लगाना होगा, ब्रेड के कॉर्नर पे। मैदे का गाढ़ा पेस्ट मैंने तैयार कर लिया है। अब मैं इसे साइड में रख दूंगी और ब्रेड को हल्का हल्का बेल लूंगी। बहुत ज़्यादा पतला हमें नहीं करना है, बस थोड़ा थोड़ा हमें बेलना है इस तरह से। इसी प्रोसेस में हम सारे ब्रेड बेल लेंगे। सारे ब्रेड मैंने अच्छे से बेल लिए हैं। अब मैं इसमें स्टफिंग डालूंगी। इस तरह से मैं इस पे स्टफिंग डाल के और पूरे में अच्छे से फैला दूंगी।
दोनों ब्रेड में मैंने स्टफिंग डाल के तैयार कर लिए। अब मैं इसे कॉर्नर पर, ये जो मैंने मैदा घोला था पेस्ट इसका बनाया था, इससे मैं इनके किनारे पर लगा दूंगी जिससे कि स्टफिंग बाहर ना निकले। चारों साइड में मैं किनारे पे इसके अच्छे से लगा दूंगी। इस तरह से दोनों ब्रेड में मैंने मैदा लगा दिया है। अब मैं इस पे मोजरेला चीज डालूंगी, इसको अच्छे से डाल दूंगी जिससे ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगे। इस तरह से, और दूसरे वाले ब्रेड से इन दोनों ब्रेड को कवर कर देंगे और हल्का सा पुश करेंगे, इसको भी हम कवर कर देंगे और हल्का सा पुश करके दबा देंगे जिससे कि सारे कॉर्नर आपस में अच्छे से चिपक जाए और स्टफिंग बाहर ना निकले। दोनों ब्रेड में मैंने स्टफिंग भर दी है। अब मैं एक फॉक चम्मच से इसको चारों तरफ से दबा दूंगी जिससे कि अच्छे से ये चिपक जाए। इस तरह से इसी प्रोसेस में मैं ये वाला भी चिपका दूंगी। मैंने दोनों ब्रेड के कॉर्नर को फॉक चम्मच से चिपका दिया है। ध्यान रहे, अगर आपके ब्रेड ताजे हैं तभी आप फॉक चम्मच का इस्तेमाल करें, वरना ना करें, क्योंकि अगर ताजे नहीं होंगे तो वो टूटने लगेंगे। अगर आपके ब्रेड ताजे नहीं हैं, टूट रहे हैं, तो आप कॉटन का कपड़ा लें और उस कपड़े को हल्का सा भिगो के ब्रेड को कवर करके कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए रख दें जिससे कि आपके ब्रेड मुलायम हो जाएं। तो अब मैं इन्हें बीच से काट दूंगी। मैंने ब्रेड को काट दिया, आप देख सकते हैं इसका शेप एकदम बिस्किट की तरह आ गया है। इसी तरह मैं दूसरा ब्रेड भी काट दूंगी। इस तरह से मैंने दूसरा ब्रेड भी काट दिया है, आप देख सकते हैं। और अब मैं लूंगी मैदा का पेस्ट जो मैंने बनाया था, उसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी और इसको थोड़ा सा पतला करूंगी। इसको मैं हल्का सा पतला कर लूंगी और फिर इससे मैं ब्रेड को कवर करूंगी। इसको मैंने एक पतला पेस्ट इसका बना लिया है। अब मैं चम्मच की सहायता से इस घोल को इसके ऊपर लगाऊंगी। मुझे बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, हल्का सा लगाना है। सारे ब्रेड में मैं इस पेस्ट को लगा दूंगी और इसके ऊपर मैं ब्रेड क्रम लगाऊंगी जिससे कि ये चिपके ना। इसी तरीके से पलट के भी मैं लगा दूंगी। इसी प्रोसेस में मैं सारे ब्रेड को पलट के लगाऊंगी। मैंने सारे ब्रेड में पेस्ट लगा दिया है। अब मैं इसके ऊपर ब्रेड क्रम डालूंगी। हम इन्हें डीप फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि डीप फ्राई करने से बहुत ज़्यादा ऑयल हो जाता है, तो मैं इन्हें तवे पे रोस्ट करूँगी। रोस्ट करने से भी बहुत अच्छा टेस्ट इसमें आता है, बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची हो जाते हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इस तरह मैं पलट के दूसरी तरफ भी ब्रेड क्रम लगाऊंगी।
ब्रेड रोस्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इस रेसिपी की खास बात यह है कि आप इसे किसी एयर टाइट कंटेनर में एक दो दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं। इसको इसमें स्टफिंग डाल के उसके बाद आप इसे स्टोर करके और जब अगर आपके वहाँ कोई भी गेस्ट आ जाएं तो उन्हें फटाफट बनाकर दे सकती हैं। तो मैं अब इन्हें रोस्ट करूँगी। तवा मैंने चढ़ा दिया है, गैस के फ्लेम को मीडियम रखा है। अब मैं इस पर थोड़ा सा तेल डालूंगी। तवा हल्का गर्म हो चुका है, इसमें मैं तेल फैला दूंगी। और सारे पीसेस को इस पर रख दूंगी। ऐसे दो दो पीस मैं रोस्ट करूंगी। जब ये एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तब मैं इन्हें पलट दूंगी। पीछे से एक साइड से गोल्डन ब्राउन सिक चुके हैं, अब मैं इन्हें दूसरी साइड पलट दूंगी, थोड़ा सा पुश कर दूंगी। अब मैं थोड़ा सा इसके ऊपर तेल लगा दूंगी जिससे नीचे से जले ना। गैस के फ्लेम को मैंने बिल्कुल मीडियम रखा हुआ है। और हल्का सा इन्हें पुश कर दूंगी। दूसरी साइड से गोल्डन ब्राउन होने पर मैंने निकाल लूंगी और दूसरे पीसेस में रोस्ट करूंगी। पीसेस दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। फ्रेंड्स, इसमें तेल बहुत कम लगता है और ये नाश्ते के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे और दूसरे टोस्ट रोस्ट करेंगे। थोड़ा सा ऑयल हम डाल देंगे। ऑयल इसमें बहुत ही कम मात्रा में लगता है। सेम प्रोसेस में इन्हें भी हम रोस्ट कर लें। सेम प्रोसेस में मैंने ये वाले पीसेस भी रोस्ट कर लिए हैं। अब मैं इन्हें निकाल लूँगी। गैस के फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है। अब इन्हें सर्व करने के लिए एक प्लेट में निकाल लूँगी। फ्रेंड्स, को बनाना बहुत ही ईजी है और ये हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छे हैं। पोटैटो ब्रेड स्नैक्स बनकर बिल्कुल तैयार हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा आया है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी हैं। फ्रेंड्स, अगर सारी चीज़ों को हम कलेक्ट कर लें तो इसे हम फटाफट 5 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं। बच्चों के टिफिन में देना हो या सुबह के नाश्ते में बनाना हो तो इसे हम फटाफट बनाकर तैयार कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको हमारी यह रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएँ। मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।